भाजपा ने किया सीएम हेमंत के बयान का विरोध। दीपक प्रकाश बोले, मुख्यमंत्री जनता के सवालों से घबरा गए हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष सिंह। भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि सीएम राज्य में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के लिए कोरोना संकट को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। यह हास्यास्पद है। अपनी सरकार की विफलता एवं आगामी दो उपचुनाव में महाठगबंधन की होती हार को देखते हुए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के सवालों से घबरा गए हैं, उनका आत्मविश्वास जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं इस सरकार के इरादे और सोच पर सवाल खड़ा कर रही है। प्रकाश ने कहा कि कल तक झामुमो के विधायक लोविन हेम्ब्रम बलात्कार की घटना को बच्चों के समझाने बुझाने तक ही सीमित रखना चाहते थे, आज तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर और बड़ी मुहर लगा दी है। आगे दीपक प्रकाश ने कहा कि हर विफलता के लिए केंद्र पर दोषारोपण करने वाले मुख्यमंत्री जी ने आज बलात्कार की घटना के लिए कोरोना को दोषी ठहराया है। हाथरस की घटना का पहाड़ खड़ा करने वालों को अपने शासन की घटनाएं छोटी भी लगती हैं और विचलित भी नहीं करती।